दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज हम कटिंग और सिलाई करेंगे डबल कटोरी ब्लाउज की। हमारा ब्लाउज का साइज होगा 36, क्योंकि जो 36 होता है वो मिडिल साइज होता है, बीच का साइज होता है, और उससे आप थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे के जो ब्लाउज है बना सकते हो। थोड़ा कम या ज़्यादा करना होता है कोई, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं होती है। 38 का बनाते हो आप, थोड़ा सा चेस्ट में और में थोड़ा सा कम कर लो, कटोरी का साइज थोड़ा सा बढ़ा लो, तो इस तरह से आपका सेट हो जाएगा। अगर आप 34 की बना रहे हो तो थोड़ा सा साइज छोटा कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उससे सीख करके बना सकते हो। तो आज मैं आपको छोटी से छोटी टिप्स डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई की इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको सभी बातों का पूरा अच्छे से पता चले कि वास्तव में कैसे बनाई जाती है, और ये जो ब्लाउज होगा बिल्कुल से परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले हम कटिंग करेंगे पेपर पे, क्योंकि मेरे पास ये जो है 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, और आज हम थोड़ी सी जो बाजू है ना वो लंबी कटिंग कर रहे हैं। तो 80 सेंटीमीटर के ब्लाउज पे लंबी बाजू डायरेक्टली ब्लाउज पीस पे कटिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करेंगे, हम कागज़ पे कटिंग कर लेंगे फर्मा कटिंग करके, और फिर उससे हम ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। काफ़ी बहनों को ये भी डिमांड है कि हमें फर्मा कटिंग बताएं, पेपर की कटिंग कैसे करते हैं, तो वो भी उनको भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बिग साइड के पार्ट्स की सिर्फ इस पर ड्राफ्टिंग बता रही हूँ, कटिंग नहीं करूँगी, ठीक है। आगे के पार्ट्स की हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों पूरी देखेंगे, ब्लाउज को पूरा देखेंगे। बिग साइड पार्ट्स को पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हम नीचे की सबसे पहले फोल्डिंग छोड़ देते हैं, ये हमारे ब्लाउज के नीचे की फोल्डिंग हो गई है। यहाँ से ब्लाउज की लेंथ लेंगे, लेंथ है डबल कटोरी ब्लाउज में 14 इंच तैयार, तो हम ले रहे हैं 14 प्लस हाफ, 14.5 इंच ले रहे हैं। 14.5 इंच पे यहाँ पे हम लेंगे 5.5 इंच शोल्डर, ये हो गए हमारे 5.5 इंच शोल्डर, 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं, और जो बैक साइड का जो गला है वो है 8 इंच का। तो यहाँ पे 8 इंच की ड्रॉ करेंगे, ऊपर से 2.5 इंच की चौड़ाई है, तो नीचे से आप यहाँ पे 3 इंच रख लो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 इंच की गोलाई रखते हुए और नेक को ड्रॉ कर लिया है। नेक ड्रॉ होने के बाद फिर से यहाँ पे 5.5 का पॉइंट लगाएंगे, और जो हमारे आर्म होल होते हैं ना वो लेंगे यहाँ पे 36 साइज के अकॉर्डिंग 5.6 इंच। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया, कहीं ज़्यादा ये जो हाथ भारी होते हैं ना हेल्दी लोगों के, तो वहाँ पे 6 इंच भी लेना पड़ सकता है। इसके अलावा कहीं किसी के हाथ बिल्कुल पतले होते हैं, तो ये जो आर्मोल है ना, जो हमारी बगल की गोलाई होती है ना, बगल के बिल्कुल बगल के अंदर चलते हैं, उसकी गोलाई के अकॉर्डिंग लिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सोचते हो कि कभी मैम 6 इंच लेती है 36 में, कभी 5.5 लेती हैं, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, करना पड़ता है, क्योंकि हाथ सबके एक जैसे नहीं होते ना, एक ही साइज में सबके जो हाथ है ना, किसी के पतले होते, आप देखिएगा 34 चेस्ट है, हाथ पतले मोटे हैं, तो फिर सेटिंग करना पड़ता है। ये एक आइडिया होती है, नॉलेज होता है अपना, उसके अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 9 इंच पॉइंट लगाएंगे, बैक साइड की राउंड शेप करेंगे 1/4 इंच पे, और इस तरह से अच्छी सी गोलाई लगा देंगे। तो ये हमारी गोलाई हो गई है बैक साइड की। बैक साइड पार्ट्स के लिए 2 इंच का मार्जिन लगाएंगे, और फिर नीचे कमर में आएंगे। कमर है यहाँ पे 30 साइज की, तो 30 का हो गया 7.5, और उसके बाद में 1 इंच एक्स्ट्रा 8.5 पे पॉइंट लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि 1 इंच एक्स्ट्रा किसका लिया है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा किसका लिया है। अब 8.5 के पॉइंट को ऊपर के पॉइंट में मिला देते हैं, 9 इंच के पॉइंट में इस तरह से सीधा डायरेक्टली, और फिर जो मार्जिन का पॉइंट है उसको मार्जिन के पॉइंट में मिला देते हैं। तो देखिए, ये तो दोस्तों हमारा हो गया है बैक साइड का पार्ट्स की ड्राफ्टिंग। अब जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना कमर में, वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 4 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे, और ये पॉइंट हम यहाँ से हमें जितनी टक्स लेनी है, क्योंकि नीचे वाला तो जो पार्ट्स है वो फोल्डिंग होने वाला है, तो यहाँ पे हम 5 इंच की टक्स लगाएंगे, और इसको अब नीचे तक ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको हाफ सेंटर पे रखेंगे, 1/2 इंच इस तरफ, 1/2 इंच इस तरफ, और नीचे से बिल्कुल बराबर में 1/2 इंच लेते हुए, और फिर इसको इस तरह से इसमें मिला देंगे। तो ये हमारी बैक साइड की टक्स हो जाती है। इसको इस तरह से बिल्कुल एकदम परफेक्टली लगाना है, क्योंकि जब सिलाई लगे वो बिल्कुल परफेक्टली लगेगी। तो ये हमारी 1 इंच की यहाँ पे डार्ट लग गई, और ये बैक साइड का जैसे ड्रॉ किया गया वैसे ही कटिंग कर लो, बैक साइड पार्ट्स बिल्कुल ओके हैं। अब हम आपको आगे के पार्ट्स की डबल कटोरी की मोस्टली कटिंग बताएंगे, और इसके अकॉर्डिंग देखिए, जैसे यहाँ पे इसको रखा फर्मे को और कपड़े के ऊपर, ठीक है ना, और अगर कपड़ा छोटा है तो इसको आप यहाँ से स्किप कर दें फोल्डिंग को, नीचे पट्टी लगा के और मोड़ाई की जा सकती है। इस तरह से रखेंगे जहाँ पे फोल्डेड एरिया हो, और इसको कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हम आगे की कटिंग करेंगे, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हम आगे की ड्राफ्टिंग और कटिंग डबल कटोरी की सीखेंगे, वो बिल्कुल आसानी से। और देखिए, मेरे चैनल पे एक एक छोटे छोटे पार्ट्स की भी कटिंग दी हुई है, कि हम 32 साइज़ के अकॉर्डिंग बिग साइड का पार्ट्स कैसे कटिंग करें, 34 के अकॉर्डिंग हम कैसे कटिंग करें,
बैक साइड के पार्ट्स की कटिंग कैसे होनी चाहिए, फ्रंट के पार्ट्स की कटिंग कैसे होनी चाहिए, तो वो भी आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो अब देखिए, जो लोग सीख रहे हैं अब अच्छे से देखिएगा, फोल्डिंग का छोड़ दिया है, यहाँ से लेंथ लेंगे, 14 इंच तैयार करनी है। लेंथ में हम 1 इंच का और इजाफा करेंगे, आधा इंच तो हो गए हमारे जो ऊपर के शोल्डर होते हैं उनकी सिलाई में, और 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे तो हो गया है 15.5 इंच, मतलब 14 इंच में हम 1.5 इंच फालतू लेते हैं आगे के पार्ट्स के लिए, और पीछे के पार्ट्स के लिए 0.5 इंच फालतू लेते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच यहाँ पे फालतू ले लिया है, और 5.5 इंच पे ये देखिए शोल्डर के पॉइंट्स लगा दिए हैं। आपको शायद साफ क्लियरली ना दिखाई दे, पर मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ बराबर में। यहाँ पे आपको 2.5 इंच की नेक की चौड़ाई पे पॉइंट लगा देना है, फिर आगे का नेक हम रखेंगे 5.5 इंच, तो 5.5 पे यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और इस तरह से 3.25 इंच नीचे की जो चौड़ाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ, 3.25 ऊपर की है 2.5, तो इस तरह से नेक को हम ड्रॉ कर लेंगे। गोलाई लगानी है, तो हमारे नेक की गोलाई लग गई ना। अब हम यहाँ से फिर 5.5 इंच पे पॉइंट लगाएंगे, और हम जो आर्मोल पीछे लिए थे 0.5, तो यहाँ पे भी हम 0.5 ही ले रहे हैं, और इस तरफ फिर हम इस तरफ इसको इस तरह से चेस्ट की ड्राइंग करेंगे। तो 36 है तो हो गया 9 इंच ना, तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा दिया है, और ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया है। अब आगे की शेप लगाएंगे हम यहाँ पे 0.5 इंच की, तो यहाँ पे मैंने 0.5 इंच का एक पॉइंट लगाया है इस तरह से, और इस शेप को हमें बहुत अच्छे से लगाना होता है। गोलाई जो होती है ना वो ही नहीं, तो आपका ब्लाउज जो क्या है खींचने लगता है या फिर लूजिंग आ जाती है। ये शेप तो आपका ब्लाउज का, हमारा जो ब्लाउज का है ना फिटिंग को कंफर्म करता है। यहाँ से जो हमारी फिटिंग होती है ना मेन, यही फिटिंग होती है चेस्ट के जो ऊपर के पार्ट्स की तरफ, तो यही फिटिंग हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग तक को कन्फर्म करता है कि कितना परफेक्ट ब्लाउज है। तो इसलिए आपको यहाँ से बिल्कुल ये शेप सुंदर से लगाना चाहिए। बाजू जब आप जॉइंट करते हो तो अच्छे से जॉइंट होनी चाहिए, बाजू की कटिंग अच्छे से होनी चाहिए, तो ये सब बातें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, और अब हो गया है ये पॉइंट फिटिंग का और ये मार्जिन का। इसी तरह से कमर में भी अभी लगा लेते हैं, कमर है 7.5 और उसके बाद 1/4 इंच एक्स्ट्रा 0.5 इंच पे, फिर 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे लगा देते हैं। बस ये पॉइंट हमने लगा के छोड़े, अभी इसमें ऊपर तक नहीं मिलाएंगे, अभी हम इसको लेंगे चेस्ट का थर्ड भाग माइनस 12 इंच जो होता है माइनस, इसमें करेंगे हम 1/2 इंच, ये हो गया 11.5 इंच पे एक पॉइंट, और 11.5 इंच पे हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम कटोरी की कटिंग करेंगे, और इस साइज़ के अकॉर्डिंग बस्ट पॉइंट क्या होता है, देखिए बस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे मेन हमारे बस्ट का फुलाव होता है, हाइट ऊंचाई होती है बस्ट की वो होती है, और इस साइज़ के अकॉर्डिंग होगी 9.5 इंच पे, तो यही यहाँ पे आएगा बिल्कुल ओके, हमारा बस्ट पॉइंट है ये वाला। तो यहाँ पे हम कटोरी के बस्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने पॉइंट लगाया हुआ है इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम कटोरी डबल कटोरी की जो है चौड़ाई ले रहे हैं यहाँ पे 5.25 या 5.5 साइज होती है, इस साइज़ के अकॉर्डिंग आप 5.5 भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, 5.25 भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने 5.5 इंच रखी है, और नेक के अंदर से हम यहाँ पे ले रहे हैं 3.25 इंच, तो अब यहाँ से 5.25 5.5 है, तो यहाँ से भी आपको 5.5 लेनी होगी, तो ये पॉइंट अब आपको इस तरह से मिलाने होंगे। जैसे हम सिंगल कटोरी की करते हैं ना ठीक, अभी तक वैसे ही चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद में आपको इसको डबल कटोरी जो का जो पार्ट्स है वो कन्फर्मली आपको अच्छे से देखना है। अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे, तो ये मैंने इसको फिटिंग को फिटिंग पॉइंट में मिला दिया है, मार्जिन वाले को मार्जिन के पॉइंट में इस तरह से मिला दिया है। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन है, और ये हमारी मार्जिन्स की लाइन है, और ये हमारी कटोरी वाले। अब इसको हमें आगे से थोड़ा सा शेप लगाना है, चाहे सिंगल कटोरी हो चाहे डबल कटोरी हो, ये शेप तो बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, जैसा देखो मैंने आपको दिखाया ना ठीक वैसे ही, तो इस तरह से हमारा फर्मा भी बन जाएगा ये आगे के पार्ट्स का, और हमारी जो यहाँ पे कटिंग भी है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने नेक लाइन कटिंग कर दी है, मैंने शोल्डर कटिंग कर दिए हैं, और ये मैंने आर्मोल भी कटिंग कर लिए हैं। इस गोलाई को कटिंग करते वक्त आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, अगर बढ़िया नहीं हो ना अच्छी सी गोलाई ले सकते हैं, क्योंकि कैंची बहुत परफेक्ट गोलाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल लेंथ जो है इसके अंदर आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी बिल्कुल से तैयार है, और ये हमारे ऊपर का पार्ट्स हैं। अब हम इस दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक
ठीक है। अब ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल सही है, ठीक है, कपड़े पे यही ऐसे ही कटिंग करेंगे हम। इसको हमें समझना है, तो इसके लिए देखिए 3 इंच इस साइज के अकॉर्डिंग कितना लेंगे हम, 3 इंच, और इस तरफ हम कितना लेंगे, 2 इंच, ठीक है। मिडिल सेंटर पे हम कितना लेंगे, जो टोटल इसका मिडिल सेंटर कर लेते हैं, 5.5 का मिडिल सेंटर हो गया 2.5 इंच, तो यहाँ से हम लेंगे 2.25 इंच। अब इस तरह से आप इसको मिला दीजिए, ये हो गया, मिल गया ना ये लगभग, ठीक है। दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं। मैं आपको यहीं कागज़ पे कटिंग करना फिर स्टिचिंग करना भी बताऊंगी, तो वीडियो पे जुड़े रहिए हमारे साथ में, और कोई भी आपको डाउटिंग हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो हमारे दोनों पार्ट्स अलग हो गए ना। अब हम पेपर लेते हैं और पहले कटिंग करेंगे हम ये नीचे वाला पार्ट्स। देखिए इस तरफ से ध्यान रखना है कौन सा पार्ट्स इस तरफ का, ये वाला पार्ट्स है जो ज़्यादा चौड़, ये जो ज़्यादा लंबाई वाला है वो हमारी साइड वाला पार्ट्स है, और आगे नेक लाइन की साइड वाला छोटा पार्ट्स होता है, दोनों साइड के में नहीं। इसके अंदर भी ये वाला साइड का पार्ट्स है, ये नेक लाइन साइड है, ये भी नेक लाइन साइड है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा तो देखो, सबसे पहले हम नीचे का पार्ट्स कटिंग करेंगे और उसके बाद में मैं आपको ये कटिंग करना बताऊँगी। ये तो देखो सरल है, बिल्कुल सरल होगा इसको तो कटिंग करना, ठीक है, ऊपर के पार्ट्स को। तो नीचे के पार्ट्स में जो है वो सब कुछ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए इस तरफ लगभग 1 इंच या 1.25 इंच, आप जो भी एक्स्ट्रा लेना चाहते हो, इस तरफ भी 1 इंच या 1.25 इंच, इस तरह से आपको एक डब्बा बना लेना है। ये हो गया 1 इंच इस तरफ और ये 1 इंच इस तरफ। ऊंचाई में हमें इससे जो इसकी जो ये पार्ट्स है ना, यहाँ से आपको 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, तो ये होगी इसकी जो लाइन है कन्फर्म लाइन, इससे हम 1.5 इंच और ऊपर लेके इस डब्बे को तैयार कर लेते हैं। तो ये होती है लगभग 4.5 इंच के लगभग। तो इस 4.5 स्क्वायर में कितना होता है ये भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये 7.5 स्क्वायर 4.5 का एक डब्बा बना लेते हैं पूरे मेजरमेंट के साथ में। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही बना रहे हो, जितना हमें यहाँ से है ना 4.5 ये यहाँ से, तो उतना ही हम यहाँ से ले लेते हैं 4.5। अब इसको आपको क्या करना है, बस 2 पॉइंट लगा करके इसको आपको रख देना चाहे से। तो ये हो गया इसकी, यहाँ पे ये इसकी जो लेंथ इतनी है ना, इसकी इस पार्ट्स की यहाँ पे लेंथ इतनी है, तो इसको एक मेन लाइन लगा देते हैं कि इतनी इसकी हमारी पार्ट्स की जो है वो लेंथ है, और नीचे से जो इसकी है ना वो आप इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके छोड़ दीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएंगी। तो इस तरह से मैं इसके नीचे की जो साइज है वो इस तरह से कर देती हूँ, ठीक है। अब ये पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें नीचे की जो थी हमने कर ली। अच्छा, एक पॉइंट और आप यहाँ पे ये लगा दीजिए, और इस तरफ भी आप एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो एक्स्ट्रा, उसको साइड में रखिए। अब इसको हम हटा देते हैं, अब इसका हम मिडिल सेंटर करते हैं। तो ये कितना है, लगभग 7.5, 7.5 का मिडिल सेंटर कितना होता है, 3.5 का 7 और 4.5 का 7.5, ये हो गया 4.5 इंच इसका मिडिल सेंटर। तो हम इसको पहले डब्बा बनाते हैं और ये मिडिल सेंटर पे इस तरह से पॉइंट लगा देते हैं। अब ये तो था इसका ओरिजिनल इसकी लेंथ, अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं सिम का एक्स्ट्रा लेकर के, और इस पॉइंट्स को हमें इस पॉइंट्स में मिलाना है फ्री हैंड से। हम इसको ऐसे मिलाएंगे, मिला दिया, फिर हम इसको इससे थोड़ा सा ऊपर सिम का एक्स्ट्रा रखते हुए ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इसका पॉइंट्स होगा इस तरह से। तो ये हो गया है ऊपर की साइड और ये हो गया है नीचे की साइड। अब जो नीचे की साइड में हमारी जो पार्ट्स की जो चौड़ाई है ना वो यहाँ पे कंफर्म की हुई है, तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे सीम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके और इस तरह से इस पार्ट्स को यहाँ पे एंड कर देना है इस तरह से, और यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए और बाकी को हटा देना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया हमारा पार्ट्स। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, बस ये इतना ही पार्ट्स है ना, ये महत्वपूर्ण होता है, बाकी आपके जो सारे पार्ट्स हैं वो उस हिसाब से। और इसके अंदर मैंने जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आप अगर हेल्दी हो तो 1.25 इंच एक्स्ट्रा, ये जो इस पार्ट एक बार आपको बता देती हूँ थोड़ा सा रख करके, ताकि आपको जैसे ये पार्ट्स रख करके मैंने इस तरफ 1 इंच लिया, इस तरफ 1 इंच लिया, अगर आप हेल्दी हो तो 1.25 इंच लें इस तरफ भी और इस तरफ भी 1.25 इंच, इस तरफ 1.5 लिया है ऊपर में तो 2.25 इंच ले लें अगर थोड़ा सा 36 से 7 हो तो, और अगर कम है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच ही रखें,
34 ओर के लिए आप 1.5 इंची ऊपर के साइड में एक्स्ट्रा लें और साइड के अंदर 1 इंची रखें। तो ये हो गई है हमारी नीचे का पार्ट्स कटिंग। अब ऊपर का पार्ट्स बिल्कुल इजी है, तो आप उसे आसानी से कट कर सकते हैं। और जो नीचे का जो सेप है ठीक वही सेप हम इस पार्ट्स में रखेंगे। तो ये हमारी कटोरी का बिल्कुल से परफेक्टली सेप आ गया ना। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सिलाई का थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, इस तरफ भी सिलाई का एक्स्ट्रा रखा है। और ये जो होगा ये दोनों ये पफ बनाने में काम आएगा, हमारी जो कटोरी है वो इस तरह से पफ बन जाएगा। तो ये हमारे नीचे का पार्ट्स, अब हम ऊपर के पार्ट्स की कटिंग करते हैं। ये पार्ट्स लेंगे हम और यहाँ पे इसको आलपिन्स लगा देंगे, ठीक है। और अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ से जो नीचे का पार्ट्स है इसमें हम सिम का एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से गोलाई लगा देंगे, ठीक है। ये मैंने गोलाई लगा दी। अब हमने एक्स्ट्रा कितना लिया था, 1 इंच लिया था। इस तरफ भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा। और इस तरफ भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा। इस पॉइंट्स को तो हमें इसमें मिला देना है और इस पॉइंट्स को हमें इस तरह से इसमें मिला देना है ऊपर में, और इस तरह से जो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा वो। और अब हम यहाँ पे नेक लाइन ड्रो कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। लगभग बराबर है, इस तरह से आप थोड़ा सा चेक कर लें यहाँ से लेकर के, और ये सेंटर पॉइंट आ गया। और फिर यहाँ पे ऐसे बिल्कुल बराबर में आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कितना सिंपल और इजी है ना। तो ये लीजिए, ये हो गया ना। अब इसको खोल लेते हैं और इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। ये दोनों पार्ट्स लेंगे और इसका भी इस तरह से मिडिल सेंटर बना लेंगे। तो ये इसका मिडिल सेंटर हो गया है, ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट्स पे ये जो मिडिल सेंटर है इसका ऐसे कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं कि यही इसका मिडिल सेंटर है ना, ये इसका मिडिल सेंटर है, ठीक है। इसको इस मिडिल सेंटर को मिडिल सेंटर पे ऐसे रखेंगे और अब हम आल पिन्स लगाएंगे। देखिए यहाँ पे पिन्स लगाएंगे हम। सबसे पहले बीच की एक पिन लगा करके इसको यहाँ पे पक्का कर दें। इसके बाद हम एक पिन यहाँ लगाएंगे, जितनी हमारी सिलाई होती है 1/2 इंच की उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐसे पिन्स लगा देते हैं। लगा दिए, अभी इसी तरह से हम इस तरफ भी लगा देते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने सिम का एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ये हो गया, दोनों पार्ट्स जॉइंट हो गए ना। अब हम इनको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपकी कटोरी जो है डबल कटोरी कुछ इस तरह से होगी। ऐसा अच्छी से, क्योंकि पेपर है, फटना भी नहीं चाहिए हमारा पेपर, और हमारी ओपन भी हो जानी चाहिए कटोरी भी। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारी कटोरी का यहाँ पे पफ बनेगा, ये रहा। अब देखिए बिल्कुल से परफेक्ट है ना, 36 साइज के अकॉर्डिंग। और यहाँ से भी आपको नीचे की बीच की सिलाई कुछ भी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी और ये इस तरह से परफेक्ट कटोरी बनेगी। तो हमारे दोनों पार्ट्स की यहाँ पे हो गई है। अब हम कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। देखिए जैसे ये वाला आपका पार्ट्स है और इस पार्ट्स में आपको इस तरह से ये डबल कटोरी स्टिचिंग मिलेगी। यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है, इस तरह से। तो अब हम इसको इसके अंदर ऐसे जॉइंट करेंगे तो ये बिल्कुल से बराबर आएंगे। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सही है ना। तो ये एकदम सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। और हाँ, अगर आपको सरल तरीका या सही लगे, अच्छा लगे, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें वो टक्स नहीं आती, इसमें वो जो चौंच सी अनोख सी होती है ना, बिल्कुल नहीं आती है। आपको पफ बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप डबल कटोरी का ब्लाउज मेरे मेथड से बनाएं, आपका बहुत ही परफेक्ट बनेगा। या इसके बाद आपको इसमें सीम लेने के बाद इस पार्ट्स को इसमें हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से,
जैसे ये जॉइंट हो गई है हमारी डबल कटोरी का पार्ट्स तीरे के पार्ट्स में, उसके बाद हम क्रॉस पट्टी को इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल से आपको जो पार्ट्स है वो बिल्कुल इस तरह से बराबर से आएंगे, इस तरह से ये जॉइंट हो जाएगी। ये देखिए तो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। बाकी सिंगल कटोरी की सिलाई जैसे होती है ना वैसे ही होती है, बस ये वाली एक सिलाई है और ये भी सिंपल सिलाई है और कटिंग करने का बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप इसको फैब्रिक पे कटिंग करें, स्टिचिंग करें और कुछ भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। बैक साइड का पार्ट्स भी कटिंग मैंने आपको बता दिया और आगे की भी बता दी है। बाजू की मैंने यहाँ पे आपको कटिंग नहीं बताई है, तो आप नॉर्मली हमारी बाजू की कटिंग की मैं नीचे लिंक दे रही हूँ कि परफेक्ट स्लीव की कटिंग कैसे करें, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। इस तरह से आपको डबल पार्ट्स पे इस पार्ट्स को नॉर्मली रख करके कटिंग कर लेना है और नीचे की क्रॉस पट्टी को भी आपको ऐसे ही कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हमारा बैक साइड पार्ट्स होगा और यहाँ पे हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए डबल कटोरी के दोनों पार्ट्स हैं, ये वाला ऊपर का पार्ट्स है, ये वाला नीचे का पार्ट्स है। तो इस तरह से बराबर में कटिंग करेंगे। ध्यान रखना ये छोटी वाली साइज होगी तो ये नेकलाइन की साइड में जुड़े जॉइंट होगी और ये वाली जो साइड होगी ये हमारी इस तरफ साइड में जो जॉइंट होगी, और उसके बाद इस पार्ट्स को हम इस पार्ट्स में जॉइंट कर लेंगे और फिर हमारा ब्लाउज अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं लगता है, तो इसलिए आप बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।